नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 के सेकंड एवोल्यूशन सिलेबस में आने वाले पार्ट न्याय के जो पहला भाग था, प्रथम पहला दृश्य था, वो हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में आलोचना कर लिया है। अभी द्वितीय भाग, द्वितीय दृश्य का आलोचना करेंगे। तो द्वितीय दृश्य को शुरू करने से पहले हम लोग पहले भाग के बारे में पूर्णालोचना कर लेते हैं। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार, देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई और सिद्धार्थ के एक सखा, ये मेन करेक्टर हैं। सिद्धार्थ और उसके सखा एक उद्यान में बैठे हुए थे, राजमहल के उद्यान में बैठे हुए थे। वो लोग प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख रहे थे। उसी वक्त ऊपर से जाते हुए एक राजहंस के झुंडों में से एक हंस नीचे गिरते हुए वो लोग देखते हैं। थोड़ी देर बाद देवदत्त उनके पास आता है, आके बोलता है कि उन्होंने एक हंस का शिकार किया है जो इधर ही गिरा है, हैं? क्या सिद्धार्थ ने उसे देखा है, हैं? वो हंस सिद्धार्थ के गोद में आके बैठता है। सिद्धार्थ उसका वैद्य जी से उसका मरहम पट्टी करवाता है, उस हंस को थोड़ा सचेत करता है। ये था पहले भाग में। उसके बाद इन देवदत्त बोलता है कि ये हंस मेरा है। सिद्धार्थ बोलता है नहीं, मैंने इसको बचाया, ये हंस मेरा है। ये लेके उन दोनों में एक विवाद सृष्टि हो जाता है और उस विवाद के हल जानने के लिए उनके सखा ने उनको एक आइडिया देते हैं कि हम सभी को राजा के पास जाना चाहिए इसका इंसाफ मांगते हुए। तो तीनों राजा के पास जाते हैं, तभी दूसरा दृश्य शुरू करते हैं। ये था आपका पहला दृश्य का थोड़ा आलोचना। दूसरा दृश्य, स्टेज पर शुद्धोधन की विशेष सभा का दृश्य, राजा शुद्धोधन का विशेष सभा का एक दृश्य था उधर में, जहां पर मुख्य मंत्री अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। राजा के आसन में कोई किसी भी चीज की बड़ी सम्मेलन अगर होता है तो उधर में मुख्य मंत्री हर एक राज्य के, राजा में छोटे छोटे राज्य जो होते हैं उनके भी मंत्रियां उधर में आके बैठे रहते हैं। तो मुख्य मंत्री अपने अपने आसनों पर बैठे हुए, सभी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है, राजमहल में जहाँ पर राजा बैठता है उनका आसन थोड़ा ऊपर होता है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं, मंत्री राजा से कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी समय प्रतिहारी मतलब गार्ड प्रवेश करता है राजमहल में, एक गार्ड प्रवेश करता है, प्रणाम करके वो खड़ा हो जाता है और राजा को प्रणाम करते हुए वो खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज उस गार्ड से पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी की क्या बात है? द्वारपाल, प्रतिहारी का हिंदी और एक प्रतिशब्द होता है द्वारपाल, वो बोल रहा है कि क्या है द्वारपाल? प्रतिहारी, महाराज की जय हो। प्रतिहारी बोलता है महाराज की जय हो, महाराज का जय जयकार हो। राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं, राजकुमार देवदत्त राजमहल में राजप्रसाद में आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज इस समय, महाराज बोल रहे इस समय राजकुमार देवदत्त क्यों आना चाहते हैं राजमहल में, ये सोच रहे थे। फिर बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है आने दो। प्रतिहारी लौटता है, मतलब द्वारपाल जो डोर गार्ड था वो लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं, मंत्री फिर से अपनी पुरानी बातें को शुरू करते हैं, कुछ कहना शुरू करते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है, कुछ ही समय में देवदत्त प्रसाद में आता है। प्रसाद में आके देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ, आके बोल रहा है कि मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ, मतलब देवदत्त आके महाराज को प्रणाम करता है। महाराज देवदत्त, महाराज बोल रहे हैं देवदत्त को, देवदत्त कहो इस समय कैसे आए, कहो कि अभी तुम कैसे इधर में आए, क्या उद्यान में नहीं गए, क्या तुम वन में बगीचे में नहीं गए? देवदत्त, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। देवदत्त बोल रहा है कि मैं इधर में आने का कारण है, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ, न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते, राजकुमार उनका हंस नहीं दे रहे थे। राजकुमार कौन? सिद्धार्थ, ठीक है अभी बोलेगा। महाराज मुस्कुराकर, महाराज हंस के बोल रहे, राजकुमार सिद्धार्थ, महाराज हंस के बोल रहे राजकुमार सिद्धार्थ। देवदत्त, हाँ महाराज राजकुमार सिद्धार्थ ही उनका हंस नहीं दे रहे थे, मतलब देवदत्त का हंस नहीं दे रहे थे, मेरा हंस नहीं दे रहे थे। महाराज उसने तुम्हारा हंस छीन लिया,
महाराज बोल रहे हैं कि उसने तुम्हारा हंस छीन लिया तुमसे। देवदत्त, हाँ महाराज। देवदत्त बोल रहा है, हाँ महाराज, उसने मेरा हंस मुझसे छीन लिया है। मैंने उड़ते हंस को अपने तीर से मारा था, मैंने उड़ते हुए हंस को उसके तीर से मारा था, अपने तीर से मारा था। घोड़ा गर्व से बोल रहा है कि मैं उड़ते हुए हंस को तीर से मारा हूँ। वो राजकुमार के पास जा गया और वो हंस तीर से घायल होकर नीचे गिर आ रहा था और राजकुमार के पास जाकर ही वो गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठा लिया और राजकुमार ने उसको उठा लिया। वे अब उसे नहीं लौटाते और अभी वो उसको लौटाना नहीं चाहते। वो हंस को वो मुझे नहीं दे रहे, न्याय से वो मेरा है और अगर इंसाफ की ओर से देखा जाए तो मैंने उसका शिकार किया है, मैंने उसको अखेड़ किया है, तो ये हंस इंसाफ की दृष्टि से देखा जाए तो ये हंस मेरा है, मुझे दिला दीजिए, मुझे वो हंस दिला दीजिए। महाराज, कुमार आप कहाँ है? महाराज बोल रहे हैं, कुमार आप कहाँ है? देवदत्त से पूछ रहे थे। देवदत्त बोल रहे हैं, देवदत्त उद्यान में। महाराज देवदत्त बोल रहे हैं कि कुमार अभी उद्यान में है, बगीचे में है। महाराज प्रतिहारी कुमार से कहो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज प्रतिहारी मतलब द्वारपाल के द्वार के जो गार्ड है उसको बोल रहे हैं कि जाओ, जाकर सिद्धार्थ को बोल के आओ कि मैं उसको बुला रहा हूँ, महाराज उनको बुला रहे हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा का पालन करता हुआ बोलता है कि जो आज्ञा, मैं जा रहा हूँ। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। प्रतिहारी प्रणाम करके थोड़ा घूमता ही है, तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिया वहाँ प्रवेश करता है। तभी राजकुमार वो घूम के देखते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लेकर उधर ही आ रहे थे। सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सिद्धार्थ प्रसाद में प्रवेश करके ही महाराज को बोलता है, महाराज की जय हो। सिद्धार्थ महाराज को प्रणाम कर रहा है। सखा, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। सखा भी घुस के बोलता है, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब सखा और सिद्धार्थ दोनों मिलके राजा को प्रणाम करते हैं। महाराज बोल रहा है, महाराज अभी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ देवदत्त कहता है तुमने उसका हंस छीना है। महाराज सिद्धार्थ से प्रश्न पूछते हैं कि देवदत्त कह रहा है कि तुमने उसका हंस को छीना है, क्या यह ठीक है? क्या यह बात सही है? ये जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या ये वही हंस है? ये जो हंस सिद्धार्थ के गोद में था, ये हंस क्या वही हंस है जिसके बारे में देवदत्त बोल रहा था? सिद्धार्थ, जी महाराज, ये वही है। सिद्धार्थ बोल रहा है, जी महाराज, ये वही हंस है। महाराज, क्या यह देवदत्त का है? महाराज फिर पूछते सिद्धार्थ से कि क्या यह हंस देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, ये मेरा है। सिद्धार्थ बोल रहा है, जी नहीं, ये मेरा है। महाराज, तुम्हारा? महाराज बोले, तुम्हारा? देवदत्त शीघ्रता से, देवदत्त फिर तेजी से बोल रहा है, महाराज ये हंस मेरा है। वो बोल रहे कि महाराज ये हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है, इस हंस को मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ झूठ बोलता है। सिद्धार्थ गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये हंस उसका है, इस हंस को मेरा तीर लगा है, ये हंस मेरा है। मतलब द्रुतता से वो अपना बातें बोल रहा था, तेजी से देवदत्त। महाराज शांत, देवदत्त क्रोध मत करो। महाराज बोल रहे हैं, देवदत्त तुम शांत हो जाओ, मेरे पास इंसाफ के लिए आओ, मैं इसका इंसाफ करता हूँ, तुम शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, गुस्से में मत आओ। तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है, तुम कह रहे हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने उसका आखेड़ किया है, क्योंकि तुमने इसका आखेड़ किया। आखेड़ का मतलब होता है शिकार करना। कि देवदत्त बोल रहा है, महाराज बोल रहे देवदत्त को कि तुम बोल रहे हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेड़ किया, मतलब तुमने इसका शिकार किया है। देवदत्त, हाँ महाराज। देवदत्त बोल रहे हैं, हाँ महाराज, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज क्यों? सिद्धार्थ, देवदत्त ठीक कहता है। महाराज फिर से सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि देवदत्त जो बात बोल रहा है वो क्या वो सही बोल रहा है? सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेड़ देवदत्त ने किया है। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, हंस का आखेड़, हंस का शिकार देवदत्त ने ही किया है, ये बात सिद्धार्थ मान रहा है। महाराज बोल रहे हैं, तो फिर तुम कैसे कहते हो वो हंस तुम्हारा है? तो कैसे सिद्धार्थ तुम कह रहे हो कि यह हंस तुम्हारा है? अगर आखेड़ उसने किया है तो यह हंस उसका है, हैं? सिद्धार्थ, महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है परंतु मैंने उसे बचाया। सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि देवदत्त ने उस हंस को मारा है परंतु उसको मैंने बचाया है। बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि उसने बोल रहा है कि देवदत्त ने उस हंस को मारा है लेकिन मैंने उसको बचाया है,
और धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। तो इस हक से ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने उसको बचाया है। सभा में हर्ष ध्वनि, खुशी की ध्वनि चारों तरफ पूरे सभा में गूंजता है। महाराज पर सिद्धार्थ क्षत्रिय अखेट नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता है हंस देवदत्त का अखेट है। तो महाराज फिर बोल रहे हैं कि पर सिद्धार्थ बात यह है कि राज के क्षत्रिय कुल में कोई भी क्षत्रिय अगर किसी का शिकार करता है तो वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है, यह उनका धर्म है। क्षत्रिय कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता है, हैं? परंतु हंस देवदत्त का अखेट है और ये हंस जो है ये देवदत्त का शिकार है तो वो अपना क्षत्रिय धर्म को कैसे छोड़ेगा, वो ये हंस नहीं छोड़ सकता है। तो इस हक से ये हंस उसका है। सिद्धार्थ ठीक है महाराज, सिद्धार्थ मान रहा है कि महाराज जो बात बोल रहे हैं कि हंस का अखेट उसने किया है और क्षत्रिय अपना अखेट नहीं छोड़ता, ये बात को सिद्धार्थ मान रहा है। वो बोल रहे ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना अखेट नहीं छोड़ सकता। आपने जो बोला है कि क्षत्रिय जो होता है राज के कुल में जो जन्म लेते हैं वो क्षत्रिय होते हैं ज़्यादातर, वो क्षत्रिय जैसे अपना अखेट नहीं छोड़ते हैं, हैं? परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी तो धोखा नहीं दे सकता। तो बात यह भी है कि शरण में आया हुआ किसी भी प्राणी को वो धोखा नहीं दे सकता, ये भी क्षत्रिय धर्म है। ये मेरा शरण में आ चुका है, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। सिद्धार्थ बोल रहा है कि मेरे शरण में जो आया है मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि इससे मेरा धर्म नष्ट होगा। मैं भी क्षत्रिय हूं और शरण में आया हुआ किसी भी प्राणी को वो नहीं छोड़ सकता, ये क्षत्रिय धर्म में नहीं होता है। सभा में फिर हर्ष उभरता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। सभा में फिर से खुशी छा जाती है और राजकुमार शांत मन से वो अपने गोद में पड़े हुए हंस को सहलाता है। महाराज की आंखों में स्नेहपूरित गर्व है, देवदत्त तिलमिलाता है। महाराज के आंखों में थोड़ा स्नेहपूरित प्यार वाला गर्व हो रहा है क्योंकि उसके बच्चे ने इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, ये सुन के उनको थोड़ा प्रसन्नता हो रहा था, थोड़ा प्राउड फील हो रहा था। देवदत्त तिलमिलाता है और देवदत्त ये सब सुनकर वो थोड़ा तिलमिलाता मतलब बेचैनी सा हो जाता है उसके अंदर। देवदत्त महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए वो मेरा है। वो बोल रहा है कि मैंने इस हंस को मारा है इसलिए ये हंस मेरा है, मैंने इसका अखेट किया है ये हंस मेरा है। देवदत्त एक ही बात बोलता है। सिद्धार्थ ये कोई तर्क नहीं है महाराज, ये कोई विवाद की बात ही नहीं है महाराज, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। अगर वो उसको नहीं मारता, अगर देवदत्त उस हंस को नहीं मारता तो हंस ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता, वो मेरे पास नहीं आता। सिद्धार्थ ही बोल रहा है कि ये कोई विवाद की बात ही नहीं है, उसने मारा है इसलिए वो मेरे शरण में आया है, बिना मारे वो मेरी शरण में क्यों आता। अगर देवदत्त उस हंस को आखेट नहीं करता तो कैसे वो सिद्धार्थ के पास आता, ये सिद्धार्थ बोल रहे थे। सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। सभा में सभी लोग निस्तब्ध होकर शून्य होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि अभी इसका न्याय कैसे होगा, हैं? कि दोनों राजकुमार की बातें उनके तरफ से सही है, हैं? एक अपने शरण में आया हुआ हंस को नहीं छोड़ सकता है और एक अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता, तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है। सब लोग स्तंभित होकर इस विषय में सोच रहे थे, निस्तब्ध होकर पूरा सभा। महाराज मंत्री जी समस्या जटिल है। महाराज अभी मंत्री से अपने सहायक से पूछते हैं कि समस्या बहुत ही कठिन है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं, कोई एक आइडिया दे सकते हैं, कोई परामर्श दे सकते हैं कि इस मामले का हल कैसे हो। मंत्री महाराज समस्या बड़ी आसान है। मंत्री बोल रहे हैं महाराज समस्या तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किया देता हूँ। अगर मुझे आप आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय कर देता हूँ। महाराज हर्षित होकर, महाराज खुश होकर, नेकी और पूछ, ये एक मुहावरे है, वो बोल रहे हैं नेकी और पूछ, किसी अच्छे काम करने के लिए पूछना क्या, मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं चाहिए। मंत्री जी यही तो हम चाहते हैं। राजा बोल रहे हैं कि मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आप इस समस्या का हल दें। देवदत्त जी हाँ हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मार कर गिराया। देवदत्त फिर से एक ही बात बोल रहा है कि हंस मेरा है, मैंने इसको तीर मार कर गिराया है। मंत्री ठीक है,
और राजकुमार सिद्धार्थ तुम कहते हो हंस तुम्हारा है, और राजकुमार सिद्धार्थ तुम ये बात बोल रहे हो कि यह हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, हाँ मंत्री जी मैंने उसे बचाया है। और सिद्धार्थ बोल रहा है, हाँ मंत्री जी मैं ये बोल रहा हूँ कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको बचाया है। देवदत्त बोल रहा है, यह हंस उसका है क्योंकि उसने उसका शिकार किया है। और राजकुमार सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि मैंने इसको बचाया है इसलिए यह हंस मेरा है। मंत्री, ठीक है तुम दोनों की बात ठीक है। राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बिठा दो। मंत्री जी बोल रहे हैं, राजकुमार सिद्धार्थ तुम्हारे गोद में जो हंस है उस हंस को इस आसन में इस कुर्सी पर बिठा दो। सिद्धार्थ, लीजिए बिठाता हूँ। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, लीजिए मैं बिठा देता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बिठा देते हैं। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बिठा देता है। हंस फड़फड़ाता है, हंस थोड़ा डर जाता है, वो कांपता है, अपने पंखों से वो तिलमिलाता है, कांपता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं, राजकुमार उसको प्यार से बोलते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोल रहे थे, डरो नहीं मित्रों, डरो नहीं मित्रों, मतलब डरो नहीं सखा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ, मैं इधर में खड़ा हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं इधर में खड़ा हूँ। हंस को बोल रहे थे सिद्धार्थ कि तुम डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मंत्री, कुमार देवदत्त, मंत्री जी अभी कुमार देवदत्त को बोल रहे हैं, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, हंस अभी इधर में आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ, तो तुम इसको बुलाओ। हंस इधर में आसन में बैठा हुआ है, हंस को आसन में बिठा के रख दिया था सिद्धार्थ ने। तो मंत्री जी देवदत्त से बोल रहे हैं, जाओ जाके अपना, तुम्हारा हंस है तुम बोल रहे हो, जाओ हंस को बुलाओ। सभा अचरज से भरकर देवदत्त की ओर देखती है, सभा अचरज से भरकर देवदत्त की ओर देखने लगती है। वो आगे बढ़कर हंस को पुचकारते हैं, देवदत्त आगे बढ़कर हंस को पुचकारते हैं, प्यार से बोलते हैं देवदत्त, प्यार से आओ मेरे पास आओ। देवदत्त हंस को बोल रहे थे आओ मेरे पास आओ। पक्षी डर कर और चीखता है और वो हंस फिर से डर जाता है, देवदत्त का चेहरा देखकर वो डर जाता है और वो चीखता है, जोर जोर से अपनी आवाज़ में चीखना शुरू कर देता है। मंत्री, कुमार देवदत्त हंस तुम्हारे पास आना नहीं चाहता है। मंत्री जी बोल रहे हैं कि कुमार देवदत्त ये हंस तुम्हारे पास आना नहीं चाहता है। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। राजकुमार सिद्धार्थ को अब मंत्री जी बोल रहे हैं, अब तुम जाओ जाकर हंस को अपने पास बुलाओ। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, सभा स्तंभित है। सिद्धार्थ आगे जाते हैं हंस को बुलाने के लिए और सभा स्तंभित है, सभी निस्तब्ध है। सिद्धार्थ प्यार से जाके बोल रहे हैं, आओ मित्रों मेरे गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ हंस के पास जाकर प्यार से बोल रहे हैं, आओ मित्रों मेरे गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से, सिद्धार्थ के गले से स्नेहपूरित प्यार वाली शब्द निकलते ही, शब्द सुनते ही हंस एकदम उड़कर, हंस पूरी उड़कर एकदम से उड़कर उसकी गोद में आ चिपकता है, उसकी गोद में आकर चिपक जाता है, लिपट जाता है। सभा आनंद विभर होकर हर्ष ध्वनि करती है, सभा खुशी से हर्ष ध्वनि हंसते हैं, प्रफुल्लित हो जाता है पूरा सभा। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं, होते हैं, महाराज के आँखों से थोड़े पानी निकलते हैं, खुशी वाले पानी निकलते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, और मंत्री गंभीर स्वर में थोड़ा बोल्ड वॉइस में बोलते हैं, लाउड वॉइस में बोलते हैं, मंत्री देखिए महाराज, मंत्री जी बोल रहे हैं महाराज को, देखिए महाराज पक्षी ने स्वयं ही इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है, पक्षी ने खुद ही इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है कि ये पक्षी किसका है, उसने खुद ही इसका इंसाफ कर दिया है, न्याय कर दिया है। वो राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वो उन्हीं को मिले, ये राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहते हैं और ये हंस उनको ही मिले। महाराज मंत्रीवर, महाराज मंत्री को बोल रहे हैं और सभी मंत्रियों को बोल रहे हैं, मंत्रीवर हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, मैं आपका निर्णय मानता हूँ, हम आज्ञा देते हैं, हम आदेश देते हैं हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे, हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहे। सभा हर्ष और उल्लास से जय जयकार करती है, राजा के जय जयकार सभा में चारों तरफ ध्वनित होते हैं, सुनाई देता है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से लगाते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ प्यार से हंस को छाती से लगा लेते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेते हैं और देवदत्त हारने के बाद अपना गर्दन नीचे झुका लेते हैं। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं और महाराज और मंत्री सभी खुशी से हंसते हैं।
पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है, इस नाटक का पर्दा इधर में धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं, राजकुमार प्रासाद से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे दुबका है जैसे बच्चा माँ की गोद में दुबक जाता है, और हंस जो घायल था वो हंस राजकुमार के साथ ऐसे चिपक के बैठता है जैसे बच्चा माँ की गोद में दुबक के बैठता है। पर्दा पूरा गिर जाता है और पर्दा पूरी तरह से नाटक का समाप्ति होता है। यह था आपका पाठ। अगर इस पाठ में किसी तरह से कोई भी परेशानी हो तो आप रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।